गहरी किचन में आप सबको स्वागत है। मैं युवराज गहरे। आज हम आपको बताएंगे कि छोटे कप जिसके अंदर हाथ नहीं जा सकता है, छोटे कटोरी जिसमें दागी, काफी सारे दागी है, अगर चाय पी के काफी देर से हमने रख दिए, नीचे गंदा जमा हुआ है, तो एक मिनट में कैसा साफ कर सकते हैं वो हम आपको टिप्स बताएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने ये आला ब्लीच लिया है। आला ब्लीच है, ये सफेद कपड़े में दाग निकालने का काम करती है। जब सफेद कपड़ा में कोई दाग लगता है तो ये डाल के दाग निकालते हैं। पर ये सिर्फ कपड़ा का दाग निकालने के काम में नहीं, कि ये बर्तन का दाग निकालने का भी बड़ा काम में आता है। जैसे हमने ये रात को चाय पी के रख दिए, ये कॉफी पी के जैसा रख दिए, ये जम गया, नीचे सफा नहीं हो रहा है, गिलास हाथ अंदर नहीं जाता है तो नीचे तक हाथ नहीं पहुंचता था, गंदा जम जाता है, या कटोरी जैसा हमने इसमें टिक्का बनाए थे, ये सफा नहीं हो रहा है, सूख गया, तब उसके लिए हम एक मिनट के अंदर पूरा बर्तन सफा करके दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं, हम ये देखिए थोड़ा सा आला इसमें डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना कप गंदा है, और इसमें थोड़ा सा आला आपके आगे हम थोड़ा सा आला डाल देते हैं। आला ब्लीच ये देखिए, थोड़ा सा हमने एक स्पून डाल दिए, ये देखिए, ये देखिए ऐसा हिलाए, हमने कुछ मेहनत नहीं किया, ये देखिए, देख सकते हैं आप कि जैसा हिलाए ये एकदम चकाचक साफ हो गया। अभी हम एक चम्मच, एक टीस्पून इसमें थोड़ा सा, इसमें आधा ही डाल देते हैं क्योंकि ये ज्यादा गंदा नहीं है, कम गंदा है। ये देख सकते हैं कि ये स्टील का गिलास है, ये भी ये देख सकते हैं आपके आगे कितना जल्दी, ये देखिए 10 सेकंड में ये चकाचक हो गया, देखिए कितना गंदा जमा था वो निकल गया है, देखिए एकदम साफ हो गया। अभी हम यही गिलास का जो आला ब्लीच है जो, यही हम फिर ये कप में डाल देते हैं। ये देखिए, ये भी काफ़ी कॉफ़ी जमा हुआ है, ये रात का पिया हुआ कॉफ़ी है और नीचे लास्ट का हिस्सा जमा हुआ है, इसमें ये डाल देते हैं। ये देखिए, ये भी हम इसमें, ये आप देख सकते हैं कि ये भी बस एक मिनट के अंदर ये पूरा चकाचक होएगा। आप देख सकते हैं कैसा ये सफा होता ही जा रहा है, ये देखिए हमने कोई मेहनत भी नहीं किए, बस अब देख सकते हैं कि इसका भी पूरा साफ हो गया। देखिए गंदगी जितना था, जितना वो कॉफ़ी वगैरह चाय जमी हुई थी वो सब उसमें आ गया। ये हम फेंक देते हैं और इसको फेंक देंगे। टेबल स्पून का एक स्पून डालेंगे, ये देखिए कितना कलर है, इस पर हमने टिक्का बनाए थे, ये भी देखिए कितना अच्छा से ये निकल रहा है, एकदम हम बगैर मेहनत करे हुए निकल जाता है, पूरा साफ हो जाएगा। देखिए पूरा ये निकल गया, जितना भी ये टिक्का जो चिपका हुआ था नीचे वो पूरा निकल गया। अभी ये थोड़ा एसिड है इसमें, इसलिए हमको इस पर एकदम साफ पानी से धोना चाहिए, खुला पानी से धोएंगे, एकदम थोड़ा साबुन लगा के खुला पानी से धोएंगे ताकि इसका कोई एसिड नुकसान ना करे। ये देखिए इसको थोड़ा सा साबुन लगा दिए और खुला पानी से धोएंगे अच्छा से। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा गिलास देखिए कितना चकाचक हो गया है, देख सकते हैं। और ये देखिए कप, आपको कप से दिखाएंगे, ये देखिए ये कितना चाय जमी हुई थी, कॉफ़ी जमी हुई थी, कितना साफ हो गया, ये देखिए चाय कॉफ़ी का कप एकदम साफ हो गया, देखिए आप देख सकते हैं बिगर मीनस का। ये देखिए कटोरी में भी हमारा टिक्का जो लगा हुआ था वो भी आप देख सकते हैं कि हमने कोई मेहनत भी नहीं किया, कुछ नहीं, देखिए कितना चकाचक हो गया है, एक मिनट के अंदर एकदम बर्तन साफ हो गया है। तो आप भी ऐसा कप गिलास अगर हाथ नहीं जाता है, पंच नहीं जाता है वहाँ पर, तो फिर आप आला ब्लीच डाल के, एक स्पून आला ब्लीच डाल के सफा कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं, बहुत अच्छा से चकाचक बर्तन होता है। अगर आपके पास काफ़ी सारे कप है, कटोरी काफ़ी सारे है, तो आप एक बाल्टी में 3-4 ढक्कन आला ब्लीच डाल के, बाल्टी में आधी बाल्टी पानी और 3-4 ढक्कन आला ब्लीच का डाल के, फिर कप आप आधी एक घंटा भिगो के रखिए, आधी घंटे एक घंटे के बाद देखेंगे तो कप सब ऑटोमेटिक चकाचक आपको दिखाई देगा, इसलिए उसके बाद आप साफ पानी से धो के यूज कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है और ज़्यादा से ज़्यादा साफ हो जाता है, ये बहुत साफ होता है, जैसा लगता है अभी नया खरीद के लाए। जितना भी गंदा होगा, जितना भी अंदर मैला जमा हुआ होगा, चाय कॉफ़ी का रात का बर्तन सुबह तक सूख जाता हो, हाथ नहीं पहुंचता हो, ये सफा करने का बहुत आसान, सबसे आसान तरीका है, ये जल्दी भी होता है और आसान तरीका है। ये करके, ये नुस्खा करके एक बार देखिएगा वीडियो को कैसा लगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।